أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear fifth class students, today my topic is parties of speech. आप जानते हैं प्यारे बच्चों, हम बहुत दिनों से अपने क्लासों से अपने बच्चों से फेस टू फेस कंटैक्ट से दूर हैं. हमने एक दो लेसन अपनी टेक्स्ट बुक के पढ़ लिए हैं, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता दूं. स्पीच, सबसे पहले मैं स्पीच के बारे में बता दूं. स्पीच कन्वर्सेशन होती है. स्पीच को हम बोलचाल कहते हैं, गुफ्तगू कहते हैं, जो हम आपस में बातें करते हैं. हर कोई बात जिसमें हर कोई लफ्ज आता है, तो हर कोई वर्ड जो हम अपनी ज़बान से बोलते हैं, चाहे स्टोरी की सूरत में हो, चाहे ये किसी पोइम की सूरत में हो, चाहे किसी भी सूरत में हो हमारी कन्वर्सेशन, तो उसको हम स्पीच बोलते हैं. इसमें बहुत टाइप्स के वर्ड्स हम बोलते हैं, यानी वर्ड्स जिसको हम इन वर्ड्स को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. ने इसके टाइप्स, हमारे स्पीच के टाइप्स, हमारे वर्ड जो हम बोलते हैं अपनी ज़बान से, इसके कितने कस्म हैं. तो मैंने यहाँ पर लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव, पांचवा है एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवन्थ कंजंक्शन एंड एट्थ इंटरजेक्शन. मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर जितना हो सकेगा मुझसे, तो मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँगा. सबसे पहले नाउन मैं बोलूँगा. नाउन इज अ वर्ड used as the name of a person, place or a thing, animal, feeling and area. तो नाउन हम किसी चीज के, किसी जगह के, किसी शख्स के नाम को बोलते हैं, या किसी फीलिंग जो हमारे दिमाग में कोई ख्याल आए, तो जो भी कोई नाम है, जिस चीज़ को भी हम किसी नाम से पुकारते हैं, तो उसको नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पेन है, तो पेन क्या है? इट्स अ नाउन. मैं, ये चीज़ है, इट्स अ थिंग, इज अ वाइट बोर्ड, मैं कहूँगा वाइट बोर्ड इज अ नाउन. हियर आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स. बशीर इज अ बैड बॉय, बशीर इज अ बैड बॉय. यहाँ पर बशीर जो है किसी शख्स का नाम है, तो बशीर नाउन है. अकबर वॉज अ किंग, अकबर है यहाँ पर नाउन. तो इसी तरह से आई लिव इन शेरीपुरा, शेरीपुरा जगह का नाम, इट्स अ नेम ऑफ प्लेस, इट इज अ नाउन. हम बहुत सारे थिंग्स होते हैं हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल, पेन है, शॉट, बॉल, मार्कर, व्हाइट बोर्ड, द्रगमुला, सिटी, विलेज. ये जो वर्ड्स हैं मैंने यहाँ पर, इनको हम सबों को हम नाउन कहेंगे. दूसरा है प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन. फॉर एग्जाम्पल, साइमा इज माई सिस्टर, शी रेस्पेक्ट्स मी. प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन, यानी जो हम नाउन की जगह बोलते हैं, जो हम नाउन की जगह बताते हैं वर्ड, तो उसे प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज साइमा इज माई सिस्टर, शी रेस्पेक्ट्स मी. मैंने लिखा है यहाँ पर साइमा, साइमा इज नाउन, तो यहाँ पर मैंने इसके बदले है साइमा इज माई सिस्टर, यहाँ मैंने लिखा है शी रेस्पेक्ट्स मी. शी identifies Saima here. She replaces Saima. Or I can say I have read she instead of Saima. So she is pronoun here. इस तरह से बहुत से pronoun हम बता सकते हैं. He, they, we, I, you, those, these, इट एट्सेट्रा.
इसका माने है, मतलब है जो भी वर्ड किसी नाउन की जगह पर बोला जाए तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। देन थर्ड इज वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ब किसी काम को जाहिर करता है। वी समटाइम्स ऑलवेज से वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? जिसमें हम किसी चीज के एक्शन को, किसी चीज की हरकत को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर टीच, द बस इज रनिंग, द ड्राइवर इज रनिंग द बस, आई एम टीचिंग, आई एम ईटिंग, आई एम जॉपिंग जॉपिंग, आई एम राइटिंग। तो एक्शन, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम बॉलिंग, आई एम ब्रशिंग टीथ, आई एम कॉम्बिंग माई हेयर। तो इस तरह से हम बोलते हैं एक्शन वर्ड्स जो हैं, इनको एक्शन वर्ड्स भी कभी कभी बोला जाता है। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड, राइटिंग यहाँ पर है। आई एम टीचिंग ए लेसन, टीचिंग ये पढ़ाना, ये लिखना, सोचना, ये सब इन वर्ड्स के मतलब जो होते हैं, मतलब निकलते हैं। जो भी वर्ड हमें किसी काम, हमारे किसी काम को जाहिर करता है तो उसे हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईट, रन, जंप, कॉम्बिंग हेयर और कॉम्बिंग, ब्रशिंग टीथ, ब्रश, एनी स्टेट ऑफ ए वर्ब। चाहे किसी ने काम किया हो, कोई काम कर रहा है, तो उनको हम वर्ब कहते हैं। एक्स्ट्रा थर्ड इज हियर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव्स हम कैसे हैं, यहां पर हमने लिखा है डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के माने में ऐड करता है, किसी मीनिंग में, इसकी मीनिंग में ऐड करता है। यहां मैं लिखूंगा, इसकी एग्जाम्पल मैं दूंगा, यहां पर मैं इसकी एग्जाम एडजेक्टिव एग्जाम एडजेक्टिव की एग्जाम्पल दूंगा। यहां पर आई हैव अ रेड पेन, आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक पेन है, लेकिन इसकी जो खासियत है ये क्या है, रेड है, रेड पेन। इट मीन्स ये रेड पेन में समथिंग ऐड करता है, समथिंग एक्स्ट्रा बताता है ये किसी चीज के बारे में। एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच एड्स इन द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। आई एम ए गुड टीचर, आई एम ए गुड टीचर। गुड, गुड मीन्स इट एड्स इन द मीनिंग ऑफ टीचर, इट एड्स इन दिस नाउन और प्रोनाउन। हम कह सकते हैं एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, टॉल बॉय, बशीर इज अ टॉल बॉय। यहां पर मैं एग्जाम्पल दूंगा और आपको, बशीर इज अ टॉल बॉय। टॉल क्या है? इट एड्स इन द मीनिंग ऑफ ए बॉय, टॉल बॉय। तो इस तरह से यहां पर हम चार पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने डिस्कस किए हैं। यहां पर फिफ्थ है, इट्स एडवर्ब। एडवर्ब इसको हम बोलेंगे